डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर रहे DRC को, उनको इसमें से निकाल दिया गया। उनकी जाति की, वो एक लोअर कास्ट से आती है, एक दलित महिला है, जब उनको एक जाति के नाम पर जिस तरीके से कैंपस से निकाला गया, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी पहले कि दलितों को, बहुजनों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वही तो मॉडल है ये। SC एट्रोसिटी एक्ट पर उस पर FIR दर्ज है, तो क्यों उस पर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही? क्या यही डेमोक्रेसी है? लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि उनके खून खून में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। देखो, वो डेमोक्रेसी की हत्याकार है। कौन? नरेंद्र मोदी। जिस तरीके इस देश को अगर कोई बचा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट अम्बेडकर राजनीति है। हमारे लोगों आके इस वाइस चांसलर पर, यहाँ के इस यूनिवर्सिटी का, उसको बताना पड़ेगा कि हम तुमको घेर सकते हैं, तुम हमसे सावधान रहिए, हम लोगों के बिना इस देश की कोई राजनीति नहीं चलने वाली। तो इसलिए बोल रहे, आओ हम लोग एक साथ आते हैं, अलग आते हैं, अपनी राजनीति खुद करते हैं। लेकिन एक सवाल है। डॉक्टर रितु जो पढ़ाती थी, अब उन्हें निकाल दिया गया है और उनका साफ तौर पे आरोप प्रिंसिपल पर है, और उसी को लेकर के आज DU आर्ट फैकल्टी के बाहर एक बड़ा आंदोलन है। आप देख सकते हैं इसमें जो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ ही महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, इसके साथ ही भानु प्रताप के साथ ही तमाम लोग आए हैं, और भीम आर्मी ने अपना समर्थन डॉक्टर रितु को दे दिया है, और इसीलिए इन लोगों के हाथ में जो पोस्टर आप देख रहे हैं, डॉक्टर सविता राय प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज, और ये जेल है, और जेल के अंदर दिखाया गया है, ये तो जेल से बाहर है, अपने पद पर बनी हुई हैं। देखो, अगर ये जेल से बाहर है, वो दिखाता है इस यूनिवर्सिटी का जातिवादी रूप। एक प्रिंसिपल पे जो पूरी जातिवाद की एक मिसाल इस यूनिवर्सिटी में पेश कर रही है कि हाँ हम तो करेंगे, लोग उसका कुछ क्या हमको बिगाड़ना बिगाड़ा, वो साफ साफ इस तरह की चीज़ें दिखा रही है, उसका एटीट्यूड जो है। डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर रहे DRC को, उनको इसमें से निकाल दिया गया। उनकी जाति की, वो एक लोअर कास्ट से आती है, एक दलित महिला है, जब उनको एक जाति के नाम पर जिस तरीके से कैंपस से निकाला गया, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे हैं। और जिस व्यक्ति ने निकाला गया, जो विचारधारा लिखा रहा, उस विचारधारा के खिलाफ आज हम यहाँ पे हैं। सविता रॉय यहाँ की जो ये जो प्रिंसिपल है DRC की, उस पर मुकदमा है, साफ साफ लिखा गया है इधर, ये मुकदमा है उस पर। तो क्यों 5468 471 120 SC और ST का SC एट्रोसिटी एक्ट पर उस पर FIR दर्ज है, तो क्यों उस पर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही? क्यों उसको नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक? इसका मतलब जो SC ST एक्ट है, जो बड़े संघर्षों के बाद उसने भीम आर्मी जो कर दिया था, भीम आर्मी का बड़ा रोल रहा है उसको दोबारा लाने के लिए, उसका कुछ महत्व नहीं है यहाँ पर। उसको किस तरीके से एक डिमोलिश करके उसको बाहर कर रहे हैं, उस जो एक्ट है जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर करती है, कहाँ वो एक्ट है? किस तरह का प्रजातंत्र ये चल रहा है? किस तरह की डेमोक्रेसी ये चल रही है? क्या यही डेमोक्रेसी है? लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि उनके खून खून में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। देखो, वो डेमोक्रेसी की हत्याकार है। कौन? नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से इस संघ की, इस विचारधारा ने, संघ के उन लोगों ने यहाँ के लोकतंत्र को पूरी तरीके से मार दिया है, जिस तरीके से लगातार इस संविधान पर उस पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, वो लगातार अटैक कर रहे हैं, उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, कि हम लोगों को जो बताया जा रहा है कि तुम्हारा संविधान सिक्योर है, तुम्हारा डेमोक्रेसी सिक्योर है, हमारे खून खून में डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में ये बात पूरी डिफरेंट है, ये पूरी अपोजिट बात बोलता है वो। हम लोग जब ग्राउंड पर जो लोग रह रहे हैं, हमको पता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं, आखिर चीज़ें किन चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। जो मनुवाद का सपना, जो मनुष्यम का जो सपना ये लेकर चल रहे हैं, जो मनुस्मृति को पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, हर रूप से ये लोग जो हिंदुत्व का जो सपना है, उस सपने को डिस्कार्ड करेंगे। रास्ता क्या बचा है? रास्ता क्या है इसका? अब किससे निकला जाए? ये सही क्वेश्चन था। हम ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, हम रास्ते की बात करते हैं कि हम लोग रास्ता देंगे। रास्ता एक समाजवादी, एक समतामूलक समाज का सपना कि तुम आओ आंदोलन करो हमारे साथ, इस नीले झंडे के नीचे यूनाइट हो। इस देश को अगर कोई बचा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट अम्बेडकर राजनीति है। मैं बार बार हर मीडिया चैनल से बोलता हूँ, लगातार मेरे इंटरव्यूज में ये देखने मिल सकता है कि हम लोग कहते हैं कि अम्बेडकरवादी राजनीति ही इस देश को बचा सकती है। लेकिन पंडित राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। यही तो, कि एक
कांग्रेस को हम फिर से लेकर आएंगे। पंडित राहुल गांधी एग्जैक्टली, देखिएगा इस पंडित राहुल गांधी को, और मैं ठीक है चलो राहुल गांधी मान लेते हैं हम, लेकिन यह था कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस हुआ है, जो विपक्ष का इंडिया अलायंस हुआ, क्या उसमें एक भी बहुजन संगठन है बताइए? एक भी हो तो मुझे, जो हमारे दो मुख्य रूप से संगठन हम जिस तरीके से अपने उसको मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, क्या दोनों संगठन है उसमें? तो तुम किसकी लोगों की बात कर रहे हो? तुम किन लोगों को इस देश की उस विपक्ष में लाना चाहते हो? हमको सब पता है, इधर भी वही है उधर भी वही है, मीडिया में भी वही, हर जगह तो वही लोग हैं, लेफ्ट में राइट में हर जगह वही। एक्चुअल में जो हमारा सपना है, जो हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों सिर पर झंडा नहीं उठाना, हमारे लोगों को इन्हीं सड़कों में बोलना भी पड़ेगा, हमारे लोगों आके इस वाइस चांसलर पर, यहाँ के इस यूनिवर्सिटी का, उसको बताना पड़ेगा कि हम तुमको घेर सकते हैं, तुम हमसे सावधान रहिए, हम बताएंगे। यार भीम आर्मी छात्र संघ बता रहा है कि हमसे सावधान हो जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत भयंकर साबित हो सकते हैं, इस विचारधारा के लिए सबसे ज़्यादा भयंकर साबित हो सकते हैं। अगर ये सविता रॉय अगर SC ST होती, OBC होती, तो अब तक क्या हो गया होता? देखो सविता रॉय अगर SC ST होती तो अब तक वो जेल में आ गई। दूसरी ओर अगर रितु मैडम जनरल होती तो उनकी ये नौबत ही नहीं आई होती। नौकरी छीन ली गई अब तो। वही तो कह रहा हूँ, उनकी नौकरी की जाति के नाम पे छीन लेना, किस तरीके से यूनिवर्सिटी का महत्व को पूरी तरह गिरा देना, कि जो वर्ण व्यवस्था थी पहले कि दलितों को, बहुजनों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वही तो मॉडल है ये। हम लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी में, इस देश में हावी होता जा रहा है। एक मैम, पहले आप इंडिया की बात कर रहे थे, जो अपोजिशन का गठबंधन है, तो अगर उसमें बहन जी को यानी बसपा को और भीम आर्मी को अगर शामिल नहीं किया जाता तो क्या होगा नज़ारा, क्या देखते हैं आप 2024 में? सीधी बात बोलते हैं कि फिर बहुजनों को थर्ड फ्रंट अपना बनाना पड़ेगा। अपने अंबेडकर राज राजनीति, हम बहन जी से भी आग्रह करते हैं यहाँ से कि बार बार आइए हमारे साथ, और आप सच में बहुजन हितैषी हैं तो आपको आना होगा हमारे साथ। हम लोगों को इस देश का जो रूप है उसको भी समझने की ज़रूरत है। ये देश एक बहुत एक्सट्रीम विचारधारा फंस चुका है, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक इस देश को उन लोगों के हाथों से नहीं बचा जा सकता, और कहीं ना कहीं हम यूनाइट होने में असफल रहते हैं, तो हम इनडायरेक्टली में उन लोगों का मदद कर रहे हैं। तो आइए, अरे क्या फर्स्ट विपक्ष पक्ष तय होता रहेगा, हम लोग थर्ड फ्रंट पे बात करते हैं, हम लोग बहुजन राजनीति करते हैं, बहुजन 85% है, कांशीराम बोलते थे ना पहले के कि 15% को फेंकिए, हम लोग 85% है, हम लोग अपनी ताकत, अपने जुनून, अपनी राजनीति इस देश में लाना जानते हैं। BSP ने वो करके दिखाया, आगे इसी तरीके से हम लोग करके दिखाएंगे। मत भूलो, जब ये देश इस कांग्रेस की चपट में था, ये संघीय सरकार उसको लगातार डुबो रही थी, बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, 2002 में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उस वक्त श्री वर जो अम्बेडकर राजनीति थी, जो लगातार उन लोगों के पक्ष में आके बोली और बहुजन नाम का एक पूरी राजनीति इस देश को दे दी, वो माननीय कांशीराम का सपना, वो अम्बेडकर फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख का सपना इस देश में अभी भी बाकी है, उसको पूरा करने की हमारी लड़ाई है। मुसलमानों को तो अभी भी मारा जा रहा है, आप नूह देख लीजिए, आप मेवात देख लीजिए, आप गुड़गांव देख लीजिए। वही तो, किस तरीके, अब ये भी तो हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटी पे, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ज्यादातर मुस्लिमों पर उनको लगातार चुन चुन के मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम तभी हम बहुजन को कंसीडर कि बहुजनों आओ, बहुजन में मुस्लिम, दलित, SC ST OBC और तमाम इस तरह के दबे कुचले लोग आते हैं जिनको दबाया जा रहा है, तो हम कहते हैं बहुजनों आओ लड़ो इन लोगों से, कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं हैं, हम लोग एक प्यार की राजनीति करते हैं, हम बताएंगे दलित लोगों से कि तुम कभी हिंदू मत बनो, हिंदू वाले नाम पे तुमको फंसा के वही फिर से गुलाम रखना चाहते हैं, तुम आइए मुसलमान भाइयों को एक साथ लीजिए और लड़िए, लड़ना बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कह रहे मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ इस नफरत की बाजार में। देखो हमें राहुल गांधी से HH कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस से तो है दिक्कत हमको, कि सबसे बड़ा RSS को पालने वाला कांग्रेस ही है, जो आज इस देश का हाल है उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। 2002 में जब मोदी को 2002 के गोधरा कांड में जब फंसे तो उसको क्लीन चिट देने वाली कांग्रेस सरकार ही है, तो किसको इसका जिम्मेदार ठहराए ये बताइए, इनको किसने पाला? जब वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था उसको दोबारा रीबैन किसने उसको बैन हटाया किसने? कांग्रेस ने ही ना। हम पूछते हैं इस कांग्रेस से भी कि तुम लोग जो तुम्हारी राजनीति थी वो तो खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है,
अच्छा कैसे देखते हैं आप? देखो एक बार देखिए, फिर कांग्रेस फिर से दलितों का सहारा लिया गया, मल्लिका खड़गे जी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो तुम ये जानते हैं कि उनको बने रहना है तो हम लोगों को साथ लेना ही पड़ेगा। हम लोगों के बिना इस देश की कोई राजनीति नहीं चलने वाली, तो इसलिए बोल रहे हैं आओ हम लोग एक साथ आते हैं, अलग आते हैं, अपनी राजनीति खुद करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को हार मिली तो इसके बाद में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया, बनाया गया ब्रिजलाल खाबरी को। खाबरी के नेतृत्व में एक भी चुनाव को नहीं लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और अब अजय राय को वहां से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ये देखिए, देखो मैं यूपी से आता हूं, मैं बेस्ट यूपी यूपी मुरादाबाद का हूं, तो हमको समझने की ज़रूरत है कि यूपी की राजनीति क्यों ज़रूरत है। यूपी में अभी भी हम बोलेंगे ना, अगर ठीक से राजनीति करेंगे, अगर बीएसपी अगर 2014 के बाद इतनी खामोश ना हुई होती तो बीएसपी को आज भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराएंगे, लेकिन अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग समतामूलक राजनीति करते तो हमको मानना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं 2024 में मायावती ही देश की अगली प्रधानमंत्री बने। एकदम मैं खुल के बोलना, मैं भीम आर्मी के होने के बावजूद भी खुल के बोलता हूँ इस चीज़ को। रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष, एक जिम्मेदार अपने नेतृत्व के बावजूद मैं एक ओपनली बोलता हूँ कि इस देश में और कांग्रेस कह दे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो उसको जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब उनके साथ आए, उनसे अपना गठबंधन अलायंस तुम जितना भी तुम्हारा बनता है उतना करिए, कुछ ज़रूरी नहीं है तुम एकदम पूरा नेगोशिएशन करोगे, नहीं, वो तुमको अपनी बुआ मानते हैं, हम लोग तुमको अपना बड़ा नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तुमको देख के हम अपनी राजनीति सीखे हैं, उनको देख के हमारे समाज की कई महिलाएँ वो राजनीति सीखी हैं, तो उस राजनीति को जिनको अपनी प्रेरणा मानते हैं उनसे थोड़ा निवेदन भी करते हैं कि इमोशनली भी है, पॉलिटिकली भी है, हर तरीके से उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके उनकी राजनीति है फिलहाल उनको सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देती। चलिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, छात्र संगठन में हैं, काम करते हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में मायावती को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहुत बड़ा दिल इन्होंने दिखाया है। अब तक सार्वजनिक मंचों से ऐसी बातें नहीं होती थी, लेकिन भीम आर्मी वाले भी चाहते हैं कि देश में जो है कि कोई बहुजन व्यक्ति ही देश का अगला प्रधानमंत्री बने, और अगर मायावती बन जाती हैं तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।